जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। आज वीडियोस लाने का मेन मकसद ये था कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत बहुत ही लाजवाब वैकेंसीज आए, वो खास करके कोई सी ऐसी वैकेंसीज ने ग्रुप एक्स और वाई को छोड़ के, जो स्पेशल 10+2 लेवल को निकालता है, ये दोनों को छोड़ के, और एयरफोर्स के अंदर जितने भी ज़्यादा स्टीवर्ड आता है, कुक आता है, या MTS आता है, या टाइपिस्ट आता है, या किसी भी एनी तरीका का, चाहे इसका कॉर्बिस डिपार्टमेंट के अदर जो इंटरनल बेसिस पे हमारा वैकेंसीज होता है, वो सारी वैकेंसीज आ चुकी है। तो इंडिया के किसी भी कोने से या किसी भी राज्य से आप होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करना कैसे है, कब से अप्लाई होगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आज सारी इस वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं लाडलो। और मैं बता दूं, इसके वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके चेक कर लीजिएगा कि कब इसकी वैकेंसीज आएगी। मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के 15 दिनों के अंदर, मतलब 30 दिनों को लाडली से, मतलब हार्डली मैक्सिमम जो होगा 30 दिनों के अंदर आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स कैसे कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो बता देता हूँ। 10th क्वालिफाई, मतलब 18 से लेके 30 साल तक, 30 ईयर्स तक बीच में के जो बच्चे इनकी एज होगी वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। MTS में आपका देखिए कौन सा है, सफाई कर्मी है, आपका कुक है, या देखिए कोई भी जो देश की सेवा करना चाहता हो, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाकर अगर आप चाहते हैं कि हम कुक में जाके सर बाद में हम प्रमोशन ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया अगर आपके अंदर होगा तो बिल्कुल वहाँ पर प्रमोशन आप ले सकते हैं, ठीक है। और सैलरी जो मैं बात करूँ तो 2000 ग्रेड पे होता ही होता है, जो हमारी ऑल, चाहे वो BSF हो, CRPF, सभी की जो सैलरी होती है वो सेम सैलरी वहां पे देखी जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसमें अप्लाई करने कैसे होंगे, तो मेरे लाडले जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, इसके बाद आपका ऑनलाइन, जब आपकी विजिटिंग वेबसाइट पे, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके विजिट करिएगा, तो देन आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके एज कैटेगरी आपको पता दिया, 1830 वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे जो MTS या स्टीवर्ड या कुक या सब डाल सकते हैं, अगर टाइपिंग वाला बच्चा चाहना जो 10+2 लेवल का जा सकता है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट बहुत सारे हैं, जिसमें से आपको न्यूज़ एंकर, कॉर्बिन डिपार्टमेंट, जीस्टेट ऑफ ग्रुप एक्स के डिपार्टमेंट, सारी डिपार्टमेंट इसमें भरे हुए हैं। तो इंडिया के किसी भी राज्य से अगर होंगे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज होगा वो 30 ईयर्स होगा, और मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 10th होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, बिल्कुल रेडी हो जाइए, इसका क्वेश्चन बेस का जो होगा वो मात्र 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, SSC GD की भी लेवल से इजी रहेगा। अब लाजवाब नौकरी है, इसे छोड़ना नहीं है, वैकेंसीज बहुत भारी आने वाली, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेशन की जगह पर, जैसे 11th स्टेशन कैंडिडेट माना जाता है, 11 कैंडिडेट स्टेशनों में ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसमें लाजवाब वैकेंसी रहने वाला है। और रुकना नहीं है, बच्चे लोग तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल में आपको हर तरीका का तैयारी देखने को मिलता है। अनअकैडमी पे जुड़े नहीं होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा मेरे लाडलो, और बैक टू बैक क्लासेस हो रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज जैसे ही आती है मैं यहाँ से बैच स्टार्ट कर दूंगा, खास करके ग्रुप सी वैकेंसीज और ग्रुप डी दोनों के लिए, ठीक है। तो सारे डिटेल्स है, अगर ज़्यादा इन डिटेल्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।